वेलकम टू एपिसोड नंबर 2 स्टैंडर्ड 9th चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक. सो इन द फर्स्ट एपिसोड वी डिस्कस अबाउट द राइटर, देन वी डिस्कस द मेन पॉइंट्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट अबाउट द मेन कैरेक्टर, देन वी डिस्कस द फ्यू difficult words, and here in the second episode we are going to learn the chapter number 2 part 1. So open your textbook. Elvin Glennie listens to sound without hearing it. Before you read, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. तो जो जिनको सुनने की क्षमता नहीं थी वो इतना अच्छा म्यूजिक को महसूस करती थी और इसके बाद इतना अच्छा म्यूजिक उन्होंने प्रोड्यूस किया कि जो इजिली सुनने वाले लोग भी आज तक इतना अच्छा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इतना अच्छा सुनने को नहीं मिलता. इतना अच्छी उन्होंने सोसाइटी को भेंट दी. तो ये आज हमारे लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन गए. तो इनके बारे में हम यहां पर इस चैप्टर के अंदर चर्चा करते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ, रस ओवर क्राउड्स जोसल फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. अ स्लाइट गर्ल looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. तो रस अवर मन सबसे ज्यादा समय ऐसा होता है कि जहां पर लोग आते जाते रहते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, और एक दुबली पतली सी लड़की वहां पर खड़ी है, वो सुन नहीं रही है, मगर जो ट्रेन उनके तक आती है उनका वाइब्रेशन उनको अच्छी तरह से महसूस होते हैं. इट वॉज आवर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. और वो पूर्ण रूप से वो डिसेबल थी, सुनने में उनको बहरास था, वो अच्छी तरह से सुन नहीं सकती थी. और वो लड़की आज इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड सेरेमनी के लिए वो तैयार हो रही है. सेकेंड पैराग्राफ, यहां पर जो डिफिकल्ट वर्ड है इनका यहां पर मीनिंग भी दिया है. जोसल माने पुश रफली, स्लाइट माने स्मॉल एंड थिन, डॉन्टिंग माने फ्राइटनिंग, एस्पायरिंग म्यूजिशियन माने अ पर्सन हु वॉन्ट्स टू बी अ म्यूजिशियन. सेकेंड पैराग्राफ, एल्विन ग्लेनिस लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. तो वो एक साथ ही पूर्ण रूप से वो डेफ नहीं हुई थी, मगर ग्रेजुअली स्लोली स्लोली उनकी डेफनेस है, ये डिसेबिलिटी उनके जीवन में आई. हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8 इयर्स ओल्ड एल्विन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो. दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie,
For quite a while, Elwin managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a तो इसके बाद पहली बार तो जब वो 8 साल की थी उनका नाम जब पियानो के लिए बोला गया अनाउंस हुआ तब उन्होंने कुछ सुना नहीं उनको उनके मदर को थोड़ा नोटिस हो गया और इसके बाद जब दूसरी बार वो 11 साल की थी और उनको जब वहां से नाम इनका बोला गया स्कूल के अंदर तब वो उनको कोई उनको समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है और उसके बाद उन्होंने हेड मिस्ट्रेस ने उनके पेरेंट्स को बुलाया. इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज. दे वर एडवाइज दैट सी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ. तो उनको उनकी मदर को ऐसा समझाया गया कि उनको हियरिंग एड लगवा दें और जो डेफ लोगों की जो स्कूल रहती है इसके अंदर उनका एडमिशन करवा ले. इम्पेयर्ड मीन्स द वीकेंड. एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एल्विन. और एल्विन जिस तरह से कहते हैं कि पूरा जीवन इनका अंधकार में वैसे होने को जो हो गया है ऐसा उनको महसूस होता है. बट थर्ड पैराग्राफ के अंदर बट एल्विन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. तो एल्विन वैसे आसानी से हार मानने को पसंद नहीं थी. जो इनका म्यूजिक का इंटरेस्ट था वो फुलफिल करने की उनकी तमन्ना थी और वही करने के लिए वो डिटरमाइंड भी बनी हुई थी. वन डे सी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग ए ज़ाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू. और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे भी यही इंस्ट्रूमेंट अभी प्ले करना है. मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिसकरेज्ड हर बट परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल. ज्यादातर टीचर ने उनको डिस्करेज कर दिया ना हिम्मत कर दिया मगर रॉन फोर्ब्स जो था उन्होंने उनका अंदर जो पोटेंशियल पड़ी थी जो संभवित शक्तियां पड़ी थी इनको आइडेंटिफाई कर लिया और उन्होंने मोटिवेट करना शुरू कर दिया. ही बिगन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नॉट्स. डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से. ट्राई टू सेंस इट सम अदर वेज सेज एल्विन. तो उन्होंने इनके जो गुरु थे रॉन फोर्ब्स उन्होंने बताया कि आप अपने सिर्फ कान से सुनने की प्रैक्टिस मत करो आप अपने पूरे शरीर से इसको रिसीव करना उसकी संवेदना को अटैच करना रिलेट करना आप समझ जाओ सीख जाओ ही. और इसके बाद ही रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल. ही बिगेन बाय ओके देन सेज एल्विन Suddenly I realized I could fill the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. तो इसके बाद उनको पूरे जो शरीर से ही वो म्यूजिक सुनने लगी. वो ड्रम के जो हायर और लोअर जो उनका जो पिच रहता था वो अब शरीर से ही वो सुनने को काबिल हो गई. Forbes repeated the exercise and soon Elwin discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. I had learned to open my mind and body to sound and vibrations. और फिर Elwin बताती है कि उन्होंने अपने जीवन के अंदर जो साउंड से
वो उनको शरीर के वेरियस पार्ट से ही उनको सीखने की क्षमता जो काबिलियत है वो उन्होंने सीख ली. द रेस्ट वो सी एंड डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. और बाकी की जो बातें थी वो उनके जीवन के अंदर उनके दृढ़ मनोबल इच्छा शक्ति और उनके जो हार्डवर्क था उनसे ही उन्होंने अचीव कर लिया. तो यहां पर इस पैराग्राफ के अंदर जो जो वर्ड है ज़ाइलोफोन माने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विथ अ रो ऑफ वुडन बार्स ऑफ डिफरेंट लेंथ. प्रिकॉशनिस्ट मीन्स अ पर्सन हु प्लेज द ड्रम द तबला एटसेट्रा. पोटेंशियल मीन्स अ क्वालिटी और एबिलिटी दैट कैन बी डेवलप्ड. तो यहां पर थर्ड पैराग्राफ के अंदर ये हमें समझने के लिए ये वर्ड्स हमें यूजफुल होते हैं. आपको इसको नोटबुक के अंदर लिख लेना है. इसके बाद फोर्थ पैराग्राफ की हम यहां पर बात करेंगे. सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स. सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम सी वॉज 16 सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ. और इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने यूनाइटेड किंगडम की टूर की. तब उनकी एज सिर्फ 16 ईयर की थी. वो 16 साल की जब थी तब तो उन्होंने म्यूजिकल टूर भी स्टार्ट कर दी. और उन्होंने फिर ऐसा दृढ़ निश्चय मन बना लिया कि पूरा जीवन है वो म्यूजिक के लिए. ये म्यूजिक की साधना ही अब इनका जीवन का मुख्य उद्देश्य बन गया. सी ऑडिशन्ड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी. और इसके बाद उन्होंने रॉयल एकेडमी के अंदर अपना ऑडिशन दिया और आज तक जो इतिहास था उनके अंदर सबसे हाईएस्ट मार्क लाकर उन्होंने एक नया इतिहास रचा. नए रिकॉर्ड इन्होंने बनाए. सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस. और ऑर्केस्ट्रियल पूरे जो ग्रुप का जो परफॉर्मेंस रहता है इसके अंदर से धीरे 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 वो सोलो प्लेयर बनने लगी. एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स. और जो 3 साल की उनकी साधना थी उनका जो शिक्षा थी उनके अंदर उन्होंने हाईएस्ट नंबर के सभी उन्होंने वहां पर जो रिकॉर्ड्स थे मेडल्स थे अवार्ड्स थे वो उन्होंने जीत लिए. और यहां पर जो वो डिफिकल्ट वर्ड इस पैराग्राफ के अंदर ऑडिशन माने गेव ए शॉर्ट परफॉर्मेंस सो दैट द डायरेक्टर कुड डिसाइड वेदर सी वॉज गुड इनफ. तो ऑडिशन माने एक टेस्ट रहती है. जो टेस्ट देने से वो डायरेक्टर है वो डिसाइड करता है कि वो कितना अच्छा आगे जाकर परफॉर्म कर सकेंगे कितना अच्छा सीख सकते हैं और इसके बेस के ऊपर उनको एडमिशन दिया जाता है. फिफ्थ पैराग्राफ. एंड फॉर ऑल दिस एल्विन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट. इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर. तो इनके जीवन का यह मंत्र बन गया था कि तुम यदि कोई भी डिरेक्शन के अंदर हार्ड वर्क करते हो और आपको पता है कि आप किस दिशा के अंदर जा रहे हो कितने पेस के साथ आगे बढ़ रहे हो तो वो अपनी स्पिरिट अपना जज्बा अपना इंट्यूशन और अपने गुरु का मार्गदर्शन फिर आप जरूर टॉप के ऊपर पहुंच सकते हो. यू विल गेट देयर. एंड सी गॉट राइट टू द टॉप द वर्ल्ड्स मोस्ट साउथ आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विथ अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल. तो उन्होंने 1000 से भी ज्यादा इंस्ट्रूमेंट को बजाना इसके अंदर तो मास्टरी ले ली
और अपना जीवन का पूरा हेक्टिक शेड्यूल जो था उन्होंने बना लिया। इतनी अच्छी हाइट के ऊपर अब वो पहुंच गई कि सभी दिशाओं में से उनको निमंत्रण आने लगे, सभी देश के अंदर से उनको निमंत्रण मिलने लगे। पैराग्राफ नंबर 6, इट इज इंट्रीग्यूइंग टू वॉच एल्विन फंक्शन सो इफोर्टलेसली विदाउट हियरिंग इन अवर 2 आवर डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड मैन विथ बिजी बर्ड्स गिव मी ट्रबल। तो उन्होंने जो इस पैराग्राफ के अंदर जो डिफिकल्ट वर्ड है यहां पर पेज नंबर 18 पैराग्राफ नंबर 6, इंट्रीग्यूइंग मीन्स अ फैसिनेटिंग एंड क्यूरियस। तो वो जितनी बात हुई उनके साथ वो 2 घंटे की बातचीत में एक भी वर्ड इन्होंने मिस नहीं किया, इतने क्यूरियस थी वो सुनने के लिए। सी लाफ्ड, इट इज, यहां पर इनका फोटोग्राफ भी दिया गया है, फोटो लाइन भी लिखी है, इट इज इंट्रीग्यूइंग टू वॉच एल्विन फंक्शन सो इफोर्टलेसली विदाउट हियरिंग नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स इट्स द होल फेस स्पेशली द आईज। तो सिर्फ उनके लिप्स ही मूवमेंट नहीं होती थी मगर उनकी आईज भी इनके साथ, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी इतनी लाइवलीनेस इनके अंदर दिखाई दे रही थी। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ अ स्कॉटिश लिल्ट माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11 शी सेज बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। फ्लॉलेसली मीन्स विदाउट अ फॉल्ट और मिस्टेक, लिल्ट मीन्स अ वे ऑफ स्पीकिंग। तो वो स्कॉटिश, इसके बाद फ्रेंच और इसके बाद जापानीज लैंग्वेज भी इतनी अच्छी तरह से वो सीख लेती है। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ ऑन माई बॉडी इट टिंगल्स इन द स्किन माई चिक बोन्स एंड इवन माई हेड व्हेन सी प्लेज द ज़ाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप्स बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेजोनेंसेस फ्लोइंग इन टू हर बॉडी ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। तो इनकी ये संगीत की साधना बन गई थी, वो बेयर फिट रहकर वो वहां से भी अपने बेयर फिट माने जो पांव के तलवे होते हैं वहां से भी वाइब्रेशंस को महसूस करती थी, पूरे पार्ट्स उनके हेयर से वो भी रिसीव करती थी, वो जो आवाज आ रही थी म्यूजिक की, उनके जो फिंगर टिप्स रहती थी वहां से भी, माने पूरे बॉडी वो उनका ईयर्स बन जाता था, पूरा कान वो, और इसकी वजह से ही वो बेस्ट म्यूजिक प्रोड्यूस कर सकती थी। तो यहां पर जो मोर टू डिफिकल्ट वर्ड्स यहां पर है, टिंगल्स माने कोज अ स्लाइट प्रिकिंग और सिटिंग सेंसेशंस, रेजोनेंसेस मीन्स इकोज ऑफ साउंड। तो यहां पर इसके बारे में जो बताया गया है पैराग्राफ नंबर 8, नॉट सरप्राइजिंगली एल्विन डिलाइट्स हर ऑडियंस इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विथ अ रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवॉर्ड। तो 1991 में ही इनको इतना प्रेस्टिजियस वो सबसे ख्यातनाम इनको अवॉर्ड मिलता है। सेज मास्टर परक्यूनिस्ट जेम्स ब्लैड्स
God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. तो यहां पर जेम्स ब्लेड्स ने इनके बारे में बताते हुए कहा कि हम जो म्यूजिक सुनते हैं कान से, वो अपने पूरे बॉडी से वो महसूस करते हैं, और इसकी वजह से वो इतना अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहां पर नाइन्थ पैराग्राफ के अंदर एल्विन कन्फेसेस दैट सी इज समथिंग ऑफ अवर कॉलिक, आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, एल्विन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। सी ऑल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस एंड रिचलिंग ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज सी इज साइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। दे सी दैट देयर इज नाउ हियर दैट दे कैन नॉट गो। तो वर्कोलिक माने इनफॉर्मल, अ पर्सन हु फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग। तो वर्कोलिक पर्सन जो अपने अंदर जो काम जो मिल जाता है तो फिर वो अपने आप को रोक नहीं सकता, इसे कर्मयोगी व्यक्ति इनके बारे में यहां पर बताया है। और प्रायोरिटी माने ग्रेट इंपोर्टेंस जिसको दिया जाता है, तो वो अपने काम को ही सबसे ज्यादा महत्व देते थे। और वो बीथोवन फंड के अंदर, बीथोवन जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि वो भी वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिशियन था, वो भी डिसेबल था, वो भी सुन नहीं सकता था, और इनका म्यूजिक एल्बम सिक्स्थ सिंफनी, नाइन्थ सिंफनी, वो वर्ल्ड फेमस उनका म्यूजिक का एल्बम है। इसके बाद लास्ट पैराग्राफ, एल्विन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। जो दो जन्म के अंदर जो अचीव नहीं कर सकते वो ग्लेनी ने एक जन्म के अंदर ही डिसेबल होने के बावजूद भी उन्होंने अचीव कर लिया। सी इज ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। सी इज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ सी कैन डू इट आई कैन, एंड नॉट द लीस्ट She has given enormous pleasure to millions। तो वो जो बजा रही थी वो इंस्ट्रूमेंट को भी आज सम्मान मिला, और वो कोरस के अंदर, वो ऑर्केस्ट्रा के अंदर वो इंस्ट्रूमेंट का भी स्थान बढ़ गया, और ये बजाने वाले के भी स्थान बढ़ गया। और एल्विन इतना जो कुछ वो कार्य कर गई कि जो लोग फिजिकली फिट थे अब उनको इंस्पिरेशन मिलने लगी कि हैंडीकैप्ड होने के बावजूद भी इतना अचीव कर सकती है, इतनी मास्टरी ला सकती है, तो मैं तो ये कर ही सकता हूं, ऐसी इंस्पिरेशन इनको मिलती है। तो डेब्रो कॉली का ये जो यूनिट, इसका क्वेश्चन आंसर से वो आपको अपनी फेसबुक के अंदर लिख लेना है। अच्छा, ऑल द बेस्ट for the nice academic year. Thank you. Thank you very much.